आप सभी योगार्थियों को मेरा नमस्कार। आसनों की इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शा आसन, कभी ना कभी आपने जरूर इस आसन को बचपन में किया होगा। जैसे बचपन में जो बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, वो अपने पैर के अंगूठे को खुद पकड़कर अपने मुख में प्रवेश कराने की कोशिश करता है या उसको टच करने की कोशिश करता है। तो चलिए आज उसी आसन की विधि जानेंगे, उसके लाभ जानेंगे, उसकी सावधानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मनीष जो है भद्रासन में बैठे हैं, बटरफ्लाई की तरह से पोजिशन में बैठे हैं और पादंगुष्ठ नासा स्पर्शासन करने से पूर्व अगर आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेते हैं तो यह आसन फिर आपका और भी अच्छे से होने लग जाता है। तो मैं मनीष से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सीधा लेट जाए। पाद अंगुष्ठ यानी पैर का जो अंगूठा होता है उसको नासा स्पर्श यानी नासिका से स्पर्श करवाना होता है। तो बहुत ही अच्छा और उपयोगी आसन है, बहुत ही कॉमन आसन है, बहुत ही पुराना आसन है, जो बचपन से बच्चे करते आते हैं, बच्चों का फेवरेट आसन इसे कह सकते हैं। तो मनीष आपके सम्मुख लेटे हुए हैं, तो सबसे पहले अपने दाएं पैर को उठाते हुए और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, पकड़ेंगे और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श करवाएंगे। श्वास पूरा बाहर निकाल देना है, एक्जेल की स्थिति रखनी है और यथासंभव जितनी देर आप रुक सकते हैं श्वास को छोड़ते हुए उतनी देर आपको रुकना है। धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और इसी अभ्यास क्रम को पुनः अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो देखिए, इस आसन में आपको अपना अंगूठा अपने नासिका से स्पर्श कराना होता है। जो दूसरा पैर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। अगर सीधा नहीं कर पाते हैं तो आप उसको थोड़ा फोल्ड कर सकते हैं। नासिका से स्पर्श नहीं करा पाते हैं तो उसको आप अपनी चिन से भी टच कर सकते हैं, ठोड़ी से टच करेंगे मनीष, अपने माथे से टच कर सकते हैं, या आपका कहीं भी स्पर्श नहीं होता है तो थोड़ा दूर भी आप रख सकते हैं। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और पुनः इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करते हुए, आपने देखा होगा बचपन में बच्चा दोनों पैरों को फोल्ड करके भी इस आसन को कर लेता है। ये देखिए मनीष आपके सामने कितने अच्छे से इस आसन को कर रहे हैं। श्वास इसमें बाहर रखना है। अगर थोड़ा लंबे समय तक इस पोस्चर को करना है तो आप श्वास प्रश्वास की गति है उसको सामान्य रख सकते हैं। अब जैसे बड़ी उम्र होती है उसमें इस आसन को करने में कठिनाई होती है, लेकिन बच्चों के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। 6 महीने से लेकर 5, 7, 10, 15 साल तक का बच्चा इसको एक खेल की तरह से कर देता है। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। कहीं भी कोई जल्दबाजी ना करें, कहीं भी किसी आसन में कोई जोर जबरदस्ती ना करें। इस आसन के बाद आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, पैरों में थोड़ा अंतर दे देंगे, शवासन की तरह लेट जाएंगे, दोनों हाथ खुले रहेंगे जमीन की तरफ। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको स्पॉन्डोलाइटिस है, जिनको पीठ में दर्द है, जिनको स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द, पेट दर्द, या उनका कहीं भी कोई सिजेरियन हुआ है, घुटने में दर्द रहता है, कुल्ले में कोई दर्द है या प्रॉब्लम है, कोहनी में कोई दर्द है, छाती में कोई दर्द है, तो इस अवस्था में इस आसन का अभ्यास भूल कर भी ना करें। आसनों का अभ्यास करने से पूर्व आप किसी योग्य योग प्रशिक्षक, योग गुरु, योग आचार्य, योग विशेषज्ञ या योग स्पेशलिस्ट या योग थेरेपिस्ट, इनके निर्देशानुसार ही योगी क्रियाओं का
अभ्यास करें, देखा देखी कभी भी किसी आसन का अभ्यास ना करें। आसनों से पूर्व आपको वार्म अप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी उम्र में ये आसन थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन जो नियमित अभ्यासी हैं, जो रोजाना आसन करते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत ही सरल होता है। तो चलिए, विश्राम आप कर रहे हैं और इसके लाभ और मैं बता देता हूं, क्योंकि आसनों के लाभ अवश्य होते हैं। आपको कब्ज से राहत मिलती है, गैस, अपच, दुर्बलता, जिनको आलस्य रहता है, थकान रहती है, जठरग्नि कमजोर है वो प्रदीप्त हो जाती है, भूख खुलकर लगने लगती है, पैरों का दर्द ठीक होता है, पैरों में जो सूनापन है वो ठीक होता है, घुटने का दर्द है वो ठीक होता है, लेकिन घुटने में किस तरह की प्रॉब्लम है उसी के आधार पर इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। जिन बच्चों का घुटने मिलते हैं, जो किसी कारणवश सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं, घुटने मिलने की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं, जिनकी थाई मिलती है, जिनकी जांग मिलती है, जिनके घुटने मिलते हैं, उनके लिए भी आसन बहुत ही उपयोगी है। तो जिनको नोकनी की प्रॉब्लम है, यानी जिनके घुटने आपस में स्पर्श करते हैं चलते समय, दौड़ते समय, फौज पुलिस में नहीं लग पाते हैं, उनके लिए भी आसन बहुत ही अच्छा है, उनका घुटना मिलना ठीक हो जाता है कुछ समय के अभ्यास के बाद। जिनको अमाशय की कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन यानी आंतों की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी आसन बहुत ही उपयोगी माना गया है। यह आसन शुगर के पेशेंट, जिन्हें मधुमेह डायबिटीज कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है, बहुत ही उपयोगी माना गया है। साथ ही जिनकी दहन डिगती है, नाभि टहलती है, नेवल रीजन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। उनकी नाभि अपने केंद्र पर आ जाती है, अपने स्थान पर आ जाती है, यानी इस आसन के अभ्यास से, पाद अंगुष्ठ नासा प्रशासन के अभ्यास से आपकी जो नाभि है वो सेंटर में आ जाती है। तो इसके अभ्यास से आपको बहुत ही लाभ मिलते हैं। जैसे एक बच्चा हष्टपुष्ट होता है, बचपन में प्रसन्नचित होता है, बचपन में वो खुशहाल होता है, बचपन में बच्चा अपने आनंद में रहता है, ऐसा ही आनंद इस आसन के करने से आपको मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा बचपन पुनः लौट आए, तो निसंकोच निसंदेह आप इस आसन का अभ्यास शुरू कर दीजिए, तो आपको जरूर महसूस होगा कि मेरा बचपन फिर लौट आया है, क्योंकि बच्चों जैसी पुनः आपकी मुस्कान हो जाएगी, पुनः बच्चों जैसा आपका शरीर हो जाएगा। देखा होगा ना, एक छोटे बच्चे का कभी भी शरीर अतिरिक्त मोटा नहीं होता है, अतिरिक्त फैट उसमें नहीं होता है, कहीं भी उसका शरीर अबडब नहीं होता है, बचपन में बच्चे का शरीर सुडोल होता है, सुंदर होता है, मनमोहक होता है। ऐसे ही इस आसन के अभ्यास से, नियमित करने से आपका शरीर सुडोल होगा, सुंदर होगा, मजबूत होगा, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। और वात रोगियों के लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी है, जिनका वात बढ़ा हुआ है उनके लिए आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इनका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि बच्चों जैसा जीवन हम पुनः जिए, दोबारा हमारा बचपन लौट आए, तो पता नहीं वास्तव में लौटेगा या नहीं लौटेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है इस आसन के अभ्यास से आपको बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी और आपका शरीर भी आपके बचपन जैसा हो जाएगा, यानी आपका शरीर स्वस्थ सुंदर सुडोल हो जाएगा और आपके जो रोग हैं वो भी धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई आपको कष्ट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके मन में कोई शंका है, संदेह है, डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो निसंदेह निसंकोच आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, आप सबका धन्यवाद।